नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर हैं और सुबह सबसे पहले उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना की है। इस मौके पर सीएम योगी ने कान्हा से प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की है। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान और इसके साथ ही भागवत भवन और गर्भगृह योग माया मंदिर और ठाकुर केशव देव मंदिर में दर्शन किए हैं। इसके बाद सीएम योगी मथुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन संबोधित करने के लिए सेठ बीएन बोद्दार इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां सीएम योगी ने जिले की 210 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान ही मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि सीएम योगी का ये 27वां दौरा है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है। मथुरा, अयोध्या, काशी, गंगा, यमुना का आशीर्वाद मिल रहा है। हमने नगर निगम बनाया, ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया, ब्रज भूमि के विकास को 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फिरोजाबाद में मंगलवार को कक्षा 2 के छात्र की मौत हो गई और परिजनों ने सहपाठियों पर मारपीट और शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने स्कूल के बाहर बच्चे के शव को रखकर न्याय की मांग की है। पीड़ित परिवार ने थाने में मामले की शिकायत की है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुट गई है। बता दें आपको कि मामला फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के गाँव किशनपुर मोहम्मदाबाद का है, जहाँ पर शिवम उर्फ शोम जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है, पुत्र वीरेंद्र सिंह गांव के ही प्राइमरी स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ता था और परिजन का आरोप है कि सोमवार को ही बच्चा स्कूल गया था। लंच के बाद बच्चों में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान उसके साथ मारपीट की गई। कुछ बच्चे उसकी छाती पर कूद गए, जिससे उसके अंदरूनी चोटें आईं और रात को बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। परिजन सुबह बच्चे को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत के लिए ही शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पिता का आरोप है कि स्कूल के समय बच्चों में झगड़ा हुआ था, लेकिन शिक्षकों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण बच्चे की मौत हुई। परिजनों ने शव को ही स्कूल के बाहर रखकर हंगामा किया है। वहीं विद्यालय की प्रधान अध्यापक मंजुलता यादव ने कहना है कि सोमवार को बच्चे में खेलने के दौरान कुछ विवाद हुआ था, उसे शांत करा दिया गया, लेकिन स्कूल के बाद जो कुछ हुआ उसका पता नहीं है। बच्चा पहले से ही अस्वस्थ था, स्कूल की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। बच्चों में छोटे छोटे विवाद होते रहते हैं और इस बारे में प्रभारी निरीक्षक हरवेंद्र मिश्रा का कहना है कि परिजनों की शिकायत आई है, शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि बच्चा पढ़ने के लिए आया था, मैडम दोपहर में 12 बजे के टाइम पर यहाँ से चली गई, तो उपस्थित कोई यहाँ था नहीं। बच्चों में झगड़ा हो गया है और कल वो अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल भी गए, रात को में उनकी मृत्यु हो गई। सर, सुबह बच्चा अपना पढ़ना आता है, मैं आ जाती हूँ 8:30 के लगभग, इसी वजह से मैं जल्दी आती हूँ कि बच्चे यहाँ बैठे मिलते हैं और ये गाँव वाले भी जानते हैं कि मैं जल्दी की वजह से जल्दी आती हूँ। तो उसमें ये बच्चे अपने जैसे खेल रहे हैं आपस में, उनमें कहा सुनी हो गई तो वही चीज़ आपस में बढ़ जाती है उनमें। खबर अलीगढ़ से है, जहां पूरा मामला थाना महुआ खेड़ा के गांव ईशनपुर का है, जहां सोमवार को दोपहर पशुओं के लिए खेत पर चारा लेने गई महिला का उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर सरसों के खेत में शव पड़ा मिला, जिससे ग्रामीण में दहशत फैल गई। आपको बता दें कि महिला का नाम द्रौपदी है, उसका पति गजराज फेरी लगाने का काम करता है। महिला के 6 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे और बेटियां हैं और सबकी शादी हो चुकी है। द्रौपदी के बेटे गोपाल ने बताया है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जिस पर शक है। वहीं SP सिटी कुलदीप सिंह गुणवत्त ने कहा है कि प्रथम दृष्टि से मामला हत्या का लग रहा है। मरने से पहले महिला ने काफी संघर्ष किया होगा और जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।
ये यहाँ पे भैंसों के लिए चारा काटने आई थी। हाँ हाँ। अब यहाँ पे चारा लेते समय कुछ लोग आए इनके पास। हाँ हाँ। उन्होंने इनके साथ मारपीट करी और मार के डाली इसी खेत में। अच्छा, कहाँ के थे वो लोग? कुछ वो लोग पता पड़ा है? पता नहीं पड़ा है। अच्छा, कितने लोग थे ये कुछ मालूम पड़ा है? ऐसा करीब 3 लोग थे। अच्छा, इतना पता पड़ा। तो मम्मी यहाँ क्या करने आई थी आपकी? मम्मी यहाँ पे चारा लेने आई थी भैंसों के लिए। अच्छा, तो कितने बजे की घटना है ये? करीब ऐसी है 3 बजे के समथिंग की घटना है। अच्छा। और इसी खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे सहयोगी आकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, मामला सामने आया, खेत में चारा लेने महिला गई थी जहां पर मौत बताई जा रही है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के गांव ईशनपुर का ये पूरा मामला है कि घर से 500 मीटर की दूरी पर एक महिला जो है जानवरों के लिए चारा लेने खेत पर गई हुई थी। वहीं कुछ समय बाद उसका जो शव है वो अर्धनग्न अवस्था में वहां मिलता है और रेप कर हत्या की आशंका जो है लोग जता रहे थे। इसमें जो है स्थानीय लोगों ने काफी नारेबाजी की और शव को पोस्टमार्टम होने के बाद जो है रोड पर रखकर जाम भी लगाया गया था, जिसके बाद आला अधिकारी वहां पर पहुंचे। आला अधिकारियों ने पूर्ण कार्रवाई का आश्वासन देते हुए इसी तरह उसका अंतिम संस्कार कराया और जो इसमें आरोपी है उसकी लिए टीमें गठित कर दी गई है और उसकी तलाश जारी है। आकाश, कोई पुरानी रंजिश का मामला अभी तक सामने आ पाया है इसमें? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि परिवारिक जनों से वार्तालाप करने के साथ साथ उनसे जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी कोई किसी से किसी भी तरह की कोई रंजिश नहीं है, हालांकि किसी युवक पर शक जा रहा है। जी आकाश जी, जी पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी अब आकाश? बिल्कुल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाए रखी और इस शव का पोस्टमार्टम कराकर जो है अंतिम संस्कार करा दिया गया है और जो इसमें जो भी जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की पुलिस बात कर रही है। जी आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि अधेड़ महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि खेत में चारा लेने महिला गई थी जहां पर महिला का शव मिला है। बता दें आपको कि ग्रामीणों को सूचना मिली, पुलिस विभाग और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जहां पर भीड़ जो है वो देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है और वहीं पर बताया जा रहा है कि अभी तक मामले का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। श्रावस्ती में सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं से राहगीर परेशान हो गए हैं। सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं से बाइक टकराई है और बाइक पर सवार महिला गंभीर रूप से चोटिल भी हो गई है। वहीं मां की गोदी से मासूम बाल बाल बच गया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में महिला को अस्पताल पहुंचाया। इकोना के धनुही मार्ग के बालापुर के पास की यह घटना बताई जा रही है। बड़ा सड़क हादसा फिलहाल टला हुआ बताया जा रहा है। श्रावस्ती में दबंगों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोर्ट के आदेश का भी दबंग जो है आदेश नहीं मान रहे हैं और कोर्ट से स्टे जमीन पर दबंग नाजायज कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित का आरोप दबंगई लाठी फावड़ा के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देकर दबंग निर्माण कर रहे हैं। बता दें आपको कि 112 कॉल कर बुलाया तो फिर पुलिस जाने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया गया और थाना प्रभारी दल बल के साथ ही पहुंचने पर निर्माण कार्य को रोका गया है। मॉडर्न थाना क्षेत्र के कटरा बाजार महावीर बाबा स्थान के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाटा संख्या 782, हमारी एक जमीन है गाटा संख्या 782 जिसपे विपक्षी दल राजकिशोर उर्फ नेपाली पुत्र रामविलास निवासी बगही के जबरन कब्जा करना चाहते हैं। जिस उस गाटा संख्या 782 पे हमारा अस्थगन आदेश सिविल कोर्ट भिनगा से ऑर्डर है और आए दिन नेपाली हमेशा हम लोगों को परेशान करते रहते हैं। और कोई समस्या?
और न्यायपालिका द्वारा ऐसा कई बार प्रयास किया जा चुका है, कई बार चार पांच जमीन कब्जा करने का। गोंडा से खबर है, जहां पर गोंडा में जमीन फर्जीवाड़े के आरोपी के संदिग्ध मौत की खबर सामने आई है। दरअसल जेल में निरुद्ध सलीक राम सिंह की मौत हो गई है। सलीक राम पर शहर और परसपुर थाने में 20 मुकदमे दर्ज थे और पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट किया है। मृतक सलीक राम परसपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। जेलर के मुताबिक सांस लेने की बीमारी से सलीक राम ग्रसित था। और बता दें आपको कि शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। शहर कोतवाली पुलिस ने कल ही अरेस्ट किया था आरोपी को, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। श्रावस्ती में वन माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। एक बोटा सागौन लकड़ी के साथ चार अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राधेश्याम पांडे द्वारा सागौन लकड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और विवेचना के दौरान पुलिस ने दबिश देकर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार अभियुक्तों से सागौन की लकड़ी बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों पर वन अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। तो आपको श्रावस्ती से खबर बता रहे हैं, जहां पर वन माफियाओं का आतंक सामने आया है। पुलिस ने दबिश देकर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि वन माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। महाराजगंज जिले के एआरटीओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक से मांगी गई रुपया 5 लाख की नगदी रंगदारी का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि महाराजगंज संभागीय परिवहन कार्यालय के बाबू दिनेश तिवारी ने कोतवाली पुलिस को एक तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक नंबर से बार बार मुझे व्हाट्सअप कॉल किया जा रहा है, जिस पर मुझे 5 लाख रुपये देने की भी बात की जा रही है। एक दो बार आने पर मैंने सोचा कि मजाक किया जा रहा है, लेकिन हफ्ते भर से जब व्हाट्सएप कॉल का सिलसिला रुका नहीं तो मैंने तहरीर कोतवाली पुलिस को दी और तहरीर में उन्होंने लिखा है कि व्हाट्सएप पर वो मुझे जान से मारने की धमकी और महाराजगंज में नहीं रहने की बात के साथ साथ भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहा है। कोतवाली पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला जो भी हो, लोगों में इस बात की चर्चा जोरों शोरों से दिखाई दे रही है। आखिर क्यों और किस वजह से एआरटीओ कार्यालय के बाबू से मांग की जा रही है? इतनी बड़ी रकम जो उनसे मांगी जा रही है, आखिर उसकी वजह क्या है? उत्तर प्रदेश के बड़े शराब माफिया की श्रेणी में शुमार राजू किठावर उर्फ भीमसेन सिंह के खिलाफ अमेठी पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब से अर्जित की गई संपत्ति को यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत ही सीज कर दिया गया है। आज दो ईंट भट्टों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में SDM प्रीति तिवारी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी अमेठी ललन सिंह ने सीज किया गया है। आपको बता दें कि आज आपको ये भी जानकारी दे दें कि कार्यालय अमेठी पुलिस प्रशासन के द्वारा अमेठी और प्रतापगढ़ जनपद के बॉर्डर पर प्रतापगढ़ जनपद में मौजूद संपत्ति को सीज किया गया है। इस प्रकार अमेठी प्रशासन के द्वारा अब तक लगभग 4 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि प्रतापगढ़ जनपद के अंतु थाना क्षेत्र अंतर्गत किठावर बाजार का ये रहने वाला है। जेल में बंद शराब कारोबारी भीमसेन सिंह उर्फ राजू इसका नाम बताया जा रहा है। बस्ती जिले में ADG अखिल कुमार कानून व्यवस्था की समीक्षा करने पहुंचे और समीक्षा बैठक के बाद ही पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अपराध की जो कम करने की ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया गया है और एडीजी ने ही लोगों से अपील भी की है कि सभी घरों चौराहों पर CCTV कैमरे लगवाएं और एडीजी के ऑपरेशन नितिन
नृत्य का ही जो असर है वो भी देखने को मिलेगा और लोग बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य है कि लोग नज़र से घबराते हैं और जिस जगह पर नज़र रहती है वहाँ जहाँ जाने से अपराधी और अराजक तत्व डरते हैं। एडीजी ने लोगों से सीसीटीवी लगाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य हर घर कैमरा लगाने का है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोग इसमें आगे भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 से 2.5 हज़ार में एक कैमरा लग जाता है और लोगों के मोबाइल में इंटरनेट होता है, कैमरे को कनेक्ट कर आप घर पर ही नज़र रख सकते हैं। उनका परिवार क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, परिवार सुरक्षित है कि नहीं नज़र रख सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रधानों से अपील की जा रही है कि गांव में कैमरे लगवाएं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के बाद ही गोरखपुर में 1000 से ज़्यादा लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। जो त्रिनेत्र अभियान है उसका मुख्य मंशा यह है कि आदमी नज़र से घबराता है, जिस चीज़ पे नज़र होती है वहाँ से अपराधी अराजक तत्व उस जगह को छोड़ देते हैं। उसी मंशा को बढ़ाने के लिए त्रिनेत्र अभियान किया गया है, जिसमें हम जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने घरों में सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी लगाएं, जहाँ जहाँ संभव हो हमारे जो समाज के अच्छे नागरिक हैं वो बाहर आगे आ रहे हैं और चौराहों पर सीसीटीवी चौराह गोद लगा के सीसीटीवी लगवा रहे हैं। परंतु मैं आपके माध्यम से हर नागरिक से आह्वान करूंगा कि हर घर कैमरा, हम लोग इसमें ये अभियान भी रखा है त्रिनेत्र का एक भाग, जिसमें अगर हर आदमी अपने घर पे कैमरा लगा ले, बहुत सस्ता आता है, 2.5-3 हज़ार रुपये का एक कैमरा आता है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता पारस नाथ मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस, कैमरे लगाने की बात हो रही है, कितना सुरक्षित रहेगा शहर? जी, ये एडीजी अश्विन कुमार जो कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए बस्ती में आए थे, तो उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और बढ़ते अपराध को रोकने के लिए उन्होंने त्रिनेत्र ऑपरेशन चलाया। त्रिनेत्र ऑपरेशन के तहत उन्होंने ग्रामीणों से और लोगों से ये अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों पर कैमरा लगाएं, जिससे वो भी सुरक्षित रहे और क्राइम पर कंट्रोल भी किया जा सके। जिसको लेकर के उन्होंने लगभग सभी प्रधानों से और सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है कि आप अपने माध्यम से जागरूक करें, लोगों को जागरूक करें कि वो अपने घरों में कैमरा जरूर लगवाओ। कैमरा लगवाने से जो है जो भी क्राइम होता है उस क्राइम में थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है, उससे जो क्राइम करता है या जो भी चोरी या इस तरह से जो भी घटनाएं होती है उसको कैमरे से देखा भी जा सकता है। इसलिए उन्होंने कैमरे की बात की है और उन्होंने अपने अधिकारियों को और थाना अध्यक्षों को भी थोड़ा निर्देश दिया है कि आप लोग जो है अपने अपने चौराहे को, एक एक चौराहे को गोद ले लीजिए, गोद लेकर के उस चौराहे को विकास के लिए और सबको जागरूक कीजिए कि उस चौराहे पर और गाँव में जिन ड्यूटी गांव में है वो गांव में भी जागरूक करें कि कैमरा लगवाओ, जिससे क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। जी पारस, पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर और क्या ध्यान दे रही? जी, और उन्होंने कहा कि ये ठंड का मौसम आ गया है, रोड पर जो है मार्कर लगाए जाएं और रोड पर डिवाइडर के किनारे जो है वो ऐसे सिंबल लगाए जाएं जिससे रात को या कोहरे में लोग देख करके आसानी से चल सके। और ये क्राइम में विशेष करके उन्होंने जो है आज ये जो फोकस किया वो सिर्फ कैमरे के ही ऊपर उन्होंने फोकस किया है। जी पारसनाथ, जिस तरह से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस कह सकते हैं कि इस अभियान के बाद कई लोगों ने कैमरे भी लगवा लिए हैं ग्रामीणों ने। जी, ये अखिल कुमार जो एडीजी है उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने गोरखपुर में शुरू किया है, गोरखपुर में तो लगभग हमारे 1000 से ऊपर परिवारों ने कैमरा लगा दिया है और यहाँ पर भी जैसे कई मुख्य चौराहे हैं, मुख्य चौराहे पर कैमरा लग गया है, तमाम व्यापारियों ने भी कैमरा लगा दिया है और तमाम लोग जो है जो प्रोत्साहित कर रहे हैं और सबको ये प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप लोग कैमरा लगाइए, जो भी सस्ते से सस्ते में कैमरा लगाइए। उन्होंने कहा कि 2 से 2.5 हज़ार रुपये में लगभग कैमरा मार्केट में उपलब्ध है, उसको आप लगवाइए जिससे आप भी सुरक्षित रहें और कानून की भी मदद हो सके।
जी पारसनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो बस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पर एडीजी ने कहा है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य है कि जो घटनाएं हैं वो ना हो और सब पर नजर रखी जा सके। यूपी के फतेहपुर में कांग्रेस जिला अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ही महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसी नेताओं ने मांग किया है कि अल्पसंख्यक छात्रों मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाए और साथ ही मौलाना आजाद फेलोशिप को प्रतिबंधित करने का प्रदेश सरकार का निर्णय का विरोध भी किया और कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष शोएब कुरैशी ने भी नेतृत्व में कांग्रेसियों ने डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है और ज्ञापन देने के बाद शहर अल्पसंख्यक के अध्यक्ष आमिर जमा खान ने बताया कि जिले में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए और 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में दी जाने वाली मौलाना आजाद फेलोशिप को प्रतिबंधित करने को लेकर प्रदेश सरकार के इस निर्णय का विरोध किया गया है। जिलाधिकारी जी को हमने ज्ञापन जो दिया है वो अपनी जो मनमोहन सरकार के टाइम जो छात्रवृत्ति चल रही थी जो सरकार ने बंद कर दिया है, इसको दोबारा चालू करने के लिए और छात्रों का भविष्य जो है वो संकट में है, इसको हम लोग को ने कहा है कि इसको चालू करें। इससे क्या है कि जो नीचे वर्गीय बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, जब पढ़ नहीं पाएंगे तो देश का विकास रुक जाएगा। जो ये सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास, तो जब हम सबका साथ सबका विकास कर ही नहीं रहे तो कैसे ये विकास होगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के लोग धार्मिक अल्पसंख्यकों के छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के स्तर पर जो छात्रवृत्ति या फेलोशिप दी जा रही थी और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो लॉन्च किया था उसके अंतर्गत इन वर्ग के लोगों को शिक्षा के उन्नयन के लिए किया गया था, मोदी सरकार ने ये छात्रवृत्ति और जो है फेलोशिप को बंद कर दिया है। इसके विरोध में आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय और इसी खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से हमारे सहयोगी बबलू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू सिंह, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। मंजी की फतेहपुर जिले के अल्पसंख्यक के लोग हैं जहां पे इन्होंने मनमोहन सरकार कांग्रेस के समय में इनको स्कॉलरशिप का प्रावधान दिया गया था, पर इस सरकार में इनका अल्पसंख्यकों का जो बच्चों का छात्रवृत्ति है वो काट दिया गया है। कहीं ना कहीं इनके आक्रोश देखा गया और इन्होंने महामहिम को जिलाधिकारी माध्यम से इन्होंने ज्ञापन दिया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम आंदोलन के लिए अगले अनशन पे बैठ जाएंगे, ऐसा इन्होंने बताया है। जी बबलू सिंह, इसको लेकर अब आंदोलन कब तक की तैयारी है? ये मैम बता रहे हैं, अगर अभी तो महामहिम को ज्ञापन दिया है, जैसे अगर इन लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो ये बता रहे पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग जिले जिले में आंदोलन धरने पर बैठेंगे। जी बबलू सिंह, जरा विस्तार से बताइए इनकी मांगे क्या कुछ रहेंगी आंदोलन को लेकर और किस चीज की ये मांग कर रहे हैं? ये मांग कर रहे हैं जो अल्पसंख्यक के बच्चे हैं मुस्लिमों के, उनको लेके इन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति जो मनमोहन सरकार वो कांग्रेस सरकार में मिल रही थी वो बंद कर दिया गया है, उसी के विरोध में ये विरोध जताए हुए हैं। जी जी बबलू सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना गांधी पार्क क्षेत्र अंतर्गत धर्म समाज महाविद्यालय का ये मामला सामने आया है, जहां 6 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस में काला दिवस मनाने वाले छात्रों की गिरफ्तारी की मांग करने जा एक AMU जा रहे और जहां पर दर्जनों हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को भारी पुलिस ने धर्म समाज महाविद्यालय में ही रोक दिया है। वहीं पुलिस द्वारा रोके गए हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को पुलिस अधिकारी ने जांच के बाद मुकदमे में धारा बढ़ाने का आश्वासन दिया है और जिसके बाद हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने वापसी की है। जानकारी देते हुए भाजमयू अध्यक्ष सौरभ चौधरी ने यह भी जानकारी दी है कि अधिकारी मुस्लिम विश्वविद्यालय में 6 दिसंबर को छात्रों द्वारा काला दिवस मनाया गया था जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाता है।
उन्होंने कहा है कि इस घटना के बाद हमारे द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी और जिस पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर दिया है, लेकिन उक्त छात्रों पर राष्ट्रद्रोह की धारा नहीं लगाई गई है और ना ही उनको अभी तक गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा है कि आज हम ANU जा रहे थे और पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद हम नहीं जा रहे, और वहीं पुलिस ने मामले में जांच के बाद धाराओं को बढ़ाए जाने का भी आश्वासन दिया है। प्रदर्शन नहीं, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ विधर्मियों द्वारा 6 दिसंबर जिस दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, पुण्यतिथि थी, उस दिन उन्होंने वह काला दिवस मनाकर हमारे भारतीय संविधान की निंदा की, हमारे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जिसके बलबूते हमारा कानून चलता है उसकी निंदा की है। उसके बाद उन्होंने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे हिंदू धर्म पर अशोभनीय अभद्र टिप्पणी की, अमर्यादित टिप्पणी की। उसका 7 तारीख को क्वारी थाने में एक तहरीर हमारे माध्यम से दी गई थी और 72 घंटे के अल्टीमेटम के साथ ये निवेदन पुलिस से किया गया था कि उन पर तत्काल कार्रवाई हो, लेकिन यह नहीं हुआ। उसके बाद मजबूरन इस पूरे अलीगढ़ के हिंदूवादी संगठनों को बड़ी तादाद में इसी विद्यालय के मंदिर परिसर में पंचायत करनी पड़ी और ऐलान करना पड़ा। एक्चुअल में 6 दिसंबर को AMU में कोई घटना जो घटित हुई उसको लेकर DS कॉलेज में छात्र संघ के लोग और अन्य हिंदू संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और वो SSP के ऑफिस तक मार्च करके ये मांग कर रहे थे कि जिन लोगों ने वो AMU में जो विरोध प्रदर्शन किए उनकी गिरफ्तारियां की जाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।